ही अच्छी लाइन यहां पर लिखी हुई है मार्केटिंग को लेकर, क्या है? मार्केटिंग इज द एंथुजियाज्म ट्रांसफर टू द क्लाइंट। मार्केटिंग एक ऐसी चीज है कि आपके अंदर जो एंथुजियाज्म है उसको आपको ट्रांसफॉर्म करना है आपके क्लाइंट तक। तो क्या एंथुजियाज्म होना चाहिए? पॉजिटिव वे में होना चाहिए, सॉल्यूशन ओरिएंटेड होना चाहिए, और सामने वाले बंदे को सेटिस्फेक्शन मिले उस लेवल का होना चाहिए जो आप अच्छी तरीके से डिलीवर कर सकते हो। अब बात करते हैं सेल्स की व्यू रचना, सेल्स को लेकर क्या स्ट्रेटजी आप लोगों को बिल्ड करने की जरूरत है। तो सेल्स को लेकर जो आप लोगों को स्ट्रेटजी बिल्ड करनी है उससे पहले एक क्वेश्चन अपने ले लेते हैं, हाउ विल यू विन अवर कॉम्पिटिटर इन सेल्स। हम अपने कॉम्पिटिटर के सामने अपने सेल्स को किस तरीके से एस्टैब्लिश कर सकते हैं, ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। कंटिन्यूस अपडेट रहकर, फिर बेटर क्वालिटी देकर, फिर सीआरएम एक्टिविटीज करके, ग्रेट, फिर यस, और क्या? हमारे प्रोडक्ट की फीचर और बेनिफिट्स जो है ओके, उनको थोड़ा प्रॉपरली स्टडी करना इन कंपेयर टू कॉम्पिटिटर। जो कॉम्पिटिटर है वो कौन से फीचर और बेनिफिट्स को ज्यादा हाईलाइट करते हैं ओके, और इन कंपेयर हमारे कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो कॉम्पिटिटर से बढ़िया है ओके। यहाँ से इनोवेटिव प्रोडक्ट बना के, इनोवेटिव प्रोडक्ट बना के, ग्रेट सर। जो हमारी प्रोडक्ट है उसका अभी कोई क्वालिटी लेवल होता है वो दूसरे मटेरियल अच्छा मटेरियल में से भी बनता है, तो हम हमारे कॉम्पिटिशन के हमारे कस्टमर को हमेशा बता सकते हैं भाई ये लोग ये मटेरियल में से बनाते हैं और हम इससे ऊँचे ग्रेड में वो हमको आपको बेस्ट रेट में दे सकते हैं, तो हमारा क्वालिटी लेवल भी उसमें बढ़ गया और उसका ट्रस्ट भी हमारे पर बढ़ गया और रियल में ऐसा होता है। ग्रेट, बहुत बढ़िया। यस, नई नई टेक्नोलॉजी को लेकर आकर भी हम अपने कॉम्पिटिटर के सामने बेस्ट कर सकते हैं। ओके, ये बात ऐसी हो रही है कि मार्केट में जब आप निकले हो और मार्केटिंग करने के पर्पज से आप जा रहे हो और आप ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को एक्वायर अगर करना चाहते हो तो आपका कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है और उसके सामने आप क्या करोगे, ये इसके ऊपर बात हो रही है। यस, ट्रस्ट बिल्ड अप करवा पाओगे, यूएसपी क्रिएट कर पाओगे, प्रोडक्ट को फील करवाना। આપણા કોમ્પિટિટર હોય એની જેટલી સર્વિસ ક્વોલિટી અને રિઝનેબલ રેટ એની સાથે પ્લસમાં ડિસ્કાઉન્ટ અને ઓફર ઓકે, મતલબ નહીં ડિસ્કાઉન્ટ્સ યા નહીં ઓફર હમ પ્લાન કર સકતે હૈ, ગ્રેટ। ઓર રિઝલ્ટ પ્રોડ્યુસ કરવાના ઓર બેટર પરફોર્મન્સ કરના ઇસકે ઉપર કામ કર સકતે હૈ, ગ્રેટ। ઓર યસ, ग्रेट, बहुत बढ़िया। और कोई? यस, कॉम्पिटिटर बहुत कुछ कर रहा है, हम क्या कर सकते हैं? કોઈ પણ એના ઓર્ડરની સાયકલ એના કરતાં અમારા આટલા ઓછા દિવસમાં અમે ડિલિવર કરી શકશું અને કન્ટિન્યુઅસલી સપ્લાય રહેશે અમારી શોર્ટેજના સમયમાં પણ। ઓકે, ગ્રેટ। આઉટ ઓફ ધ બોક્સ વસ્તુ જે કોમ્પિટિટર ના બને ક્યા, લેકિન વહી મુજે જાનના હૈ, વહી વહી મેં આન્સર ઢૂંઢ રહા હું આપ લોગો સે, આઉટ ઓફ ધ બોક્સ હી મેં ઢૂંઢ રહા હું કે ક્યા વો હોના ચાહિએ, સર્વિસ હો સકતા હૈ, ફિર ક્યા એસા કરું કે કોમ્પિટિટર કે સામને મતલબ મેં કોમ્પિટિશન મેં હી નહીં આઉં या मेरी कंपैरिजन ही ना हो, मेरा ये कहने का पर्पस आ रहा है नहीं, मतलब उसका कोई मार्केट नहीं है अभी बना हुआ, वहाँ जाके हम अपना प्रोडक्ट बेच के कर सकते हैं। ओके, ये सारी चीज़ों को अगर समराइज किया जाए या एक जगह अगर आंसर लिया जाए तो आप लोगों को करने की ज़रूरत ये है जो सर ने बहुत ही अच्छा आंसर दिया, तो मैं ज़ोरदार तालियों के बीच पहले तो सर को सम्मानित करना चाहूँगा कि बहुत ही अच्छा सर ने आंसर किया है। ओके,
सर ने बहुत ही अच्छी लाइन एक शेयर की जो आप लोगों को कहीं ना कहीं आपने उसी के बीच में बात की है, आप लोगों को कॉम्पिटिटर के सामने अपने आप को अगर बेहतर ढंग से अगर प्रेजेंट करना है तो आपको क्रिएट करना पड़ेगा आपका यूएसपी। क्या क्रिएट करना पड़ेगा? यूएसपी। यूएसपी क्या होता है? यूनिक सेलिंग पॉइंट। क्योंकि जब तक आपके पास सामने बीट करने के लिए यूएसपी नहीं होगा तब तक आप कॉमन कहलाओगे कि वो जो दे रहे वही आप दे रहे हो। लेकिन जैसे ही आपने यूएसपी क्रिएट कर लिया जिसमें 10 पॉइंट 20 पॉइंट आपके पास हो गए तो वो आपसे डिफरेंट हो जाएगा, तो उसके कारण कस्टमर के आपके वहां आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। सेल्स ग्रोथ स्ट्रेटजी के ऊपर हम बात कर रहे थे, तो सेल्स ग्रोथ स्ट्रेटजी के अंदर हमें क्या करना है, हमें अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज करनी है जो एक्टिविटी हमें क्या सपोर्ट करेगी, हमारे सेल्स को 10x करने के पीछे। और 10x ग्रोथ अगर हमें करना है तो हमें सबसे पहले करना पड़ेगा फोकस टाइम के ऊपर, अपॉर्चुनिटीज जो है उस फैक्टर को समझना पड़ेगा और सेल्स और मार्केटिंग जो है उसकी व्यू रचना बनानी पड़ेगी। जैसे कि जब भी हम कोई भी चीज को डेलीगेट करते हैं तो हमें समझना पड़ेगा कॉस्ट फैक्टर क्या है, ऑपरेशनल वर्क जो है क्या है, सर्विस के अंदर सपोर्ट क्या है, वो हमें जानना पड़ेगा। और ये चीज़ों को समझने के लिए सबसे पहले हमें कौन सी ऐसी चीज़ जो बिजनेस के अंदर सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, जहाँ पर हम अपना सबसे ज़्यादा टाइम दे देते हैं लेकिन वहाँ से हमें रिटर्न नहीं मिलता है, जहाँ से हमें बाहर आना है, वो है लैकिंग ऑफ टैलेंटेड मैन पावर और दूसरा है लैकिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग सिस्टम। ये दो ही चीज खाली बिल्ड न करने के कारण एक बिजनेसमैन का सबसे बड़ा टाइम ये दोनों चीजों को संभालने में चला जाता है और वो मार्केटिंग ब्रांडिंग सेल्स सीखने के बावजूद उसके ऊपर प्लानिंग करने का वो टाइम नहीं निकाल पाता क्योंकि वो ओवर बिजी हो जाता है ये चीजों के। तो यहां से हमें बाहर आना है एज अ ओनर, तब जाकर हम नए डेवलपमेंट का काम करेंगे। और ऐसी 11 स्ट्रेटजी जो है वो अब हम बात करेंगे जिसको हमें बिल्ड करना है।